हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। एंड जैसा कि आपको पता है कि डेली शाम को 5 बजे की जो हमारी क्लास होती है, स्पेशली यूपी टेट के लिए होती है ये, तो इसमें हम देखते हैं 4 सब्जेक्ट एक साथ। यूपी टेट और सुपर टेट दोनों का सिलेबस अगर लैंग्वेज की बात करें तो सेम है, अगर CDP की बात करें तो वो भी सेम है। तो इस वजह से ये क्लास आपकी दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर बिना टाइम वेस्ट किए। सो सबसे पहले आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, प्रतिभावान बालक किस प्रकार के खेल पसंद करता है। जितने भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं रिप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। मानसिक, शारीरिक, घरेलू, बाहरी। तो देखिए, इसमें ये चीज़ हो जाती है कि कहीं ना कहीं भाई जो प्रतिभावान बालक है वो बाहरी खेल भी पसंद करेगा, शारीरिक खेल भी पसंद करेगा, लेकिन जो सबसे बेस्ट आंसर इसका आता है वो आता है आपका मानसिक खेल, क्योंकि भाई वो मेंटली काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी स्मार्ट होता है आप कह सकते हैं। तो वो जो मेंटल गेम्स होते हैं वो खेलना ज़्यादा पसंद करता है, जिसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़े ऐसा खेल वो ज़्यादा पसंद करता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि वो बाकी के खेल पसंद नहीं करेगा। विकलांग बालक में किस प्रकार की भावना घर कर जाती है, सुस्ती, काल्पनिक अस्वस्थता, आत्मदैन्य या स्वाभिमान। ये समझते हैं काल्पनिक अस्वस्थता क्या होती है। कुछ लोगों को ऐसे दिमाग में बैठ जाता है कि हम जो हैं अस्वस्थ हैं, हम अच्छे नहीं हैं, हमारी तबीयत नहीं अच्छी लग रही, ऐसा मतलब वो है नहीं एक्चुअली में, लेकिन क्योंकि उनके दिमाग में बैठ जाता है इस वजह से उनके शरीर भी उसी तरह से वर्क करने लग जाती है। तो ये होती है काल्पनिक अस्वस्थता। और उनको आप मतलब कि झूठ मूठ की गोली भी, मीठी गोली भी कोई ले आके खिला देंगे ना, कहेंगे दवाई आप ठीक हो जाओगे पक्का, वो ठीक हो जाएंगे उसे खा के, क्योंकि वो बीमार नहीं है, वो मेंटली बस ऐसा उनको है कि हम बीमार हैं। फिलहाल चलिए देख लेते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर 3, आत्मदैन्य की भावना घर कर जाती है अक्सर विकलांग बालक में, क्योंकि जो विकलांग बालक होते हैं, देखिए जो बड़े हो जाते हैं लोग तो उनकी बात अलग है, ठीक है, उनके अंदर स्वाभिमान ये सारी चीज़ें जाग जाती हैं, पर अगर बच्चों की बात करें तो जो विकलांग बालक होते हैं उनकी सब बहुत एक्स्ट्रा केयर करते हैं, उन पर हम सब लोग दया कर देते हैं, उनकी वजह उनके लिए मतलब हर चीज़ के लिए एक्स्ट्रा कुछ दिया जाता है, उन्हें फैसिलिटीज़ दी जाती है, तो इस वजह से वो उनके अंदर आत्मदैन्यता की भावना जागृत हो जाती है कि मुझ पे सब दया करें, मतलब सब मुझे सिंपैथी दिखाएं, मुझे प्यार करें, और इस टाइप सी भावना उनके अंदर आ जाती है कहीं ना कहीं। बच्चों की अगर बात करें धीरे धीरे वो बड़े होकर समझदार भी हो जाते हैं, वो खुद भी थोड़ा सा ऐसा फील करते हैं कि अरे मैं सबसे थोड़ा सा कम हूँ, और उसके वो उसका बेनिफिट भी फील करते हैं साथ में। बालक के अपराधी होने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या है, अनुशासनहीनता, सामाजिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण या फिर विद्यालयीन वातावरण। सो फॉर दिस क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, अनुशासनहीनता सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कि अगर अनुशासन नहीं है तो बच्चे के बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बिगड़ना इन द सेंस कि बालक अपराधी भी हो सकता है, तो अपराधी होने के सर्वाधिक कारण, सबसे बेस्ट जो कारण है वो अनुशासनहीनता है। बाकी हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि स्कूल की वजह से हो गया या घर की वजह से हो गया, नहीं, जहाँ पे भी अनुशासन की कमी हुई वहीं पे वो हो गया उसी की वजह से। अंधों को शिक्षा दी जाती है खेल विधि द्वारा, फिंगर स्पेलिंग विधि द्वारा, टेलर फ्रेम विधि द्वारा, फ्रेंच विधि द्वारा। वैसे तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आंसर होता है आपका ब्रेल लिपि से, है ना, लेकिन यहाँ पे इसके ऑप्शंस कुछ अलग थे इसलिए क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया। ऑलराइट, तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं, यहाँ पे जो हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2, फिंगर स्पेलिंग विधि द्वारा। कुल मिला के वो ब्रेल लिपि ही है, उसमें भी यही करते हैं ना, फिंगर से टच कर करके वो सारे लेटर्स को पढ़ते हैं, सारे शब्दों अक्षरों को पढ़ते हैं, रीड करते हैं, समझते हैं, तो बस वही चीज़ यहाँ पे भी हो जाती है, फिंगर स्पेलिंग विधि, नाम चेंज करके दे दिया गया थोड़ा सा, बाकी चीज़ वही है, कन्फ्यूज नहीं होना है। अपराधी बालक की शिक्षा होनी चाहिए कहाँ पर, कारागार में, घर पर ही, स्वतंत्र वातावरण में, या दंड प्रक्रिया के द्वारा। ओके, गेस कर लीजिए सभी लोग। चलिए देख लेते हैं जो बेस्ट आंसर इसका होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2, घर पर ही होनी चाहिए। पहली बात, भाई अपराधी बालक है, आप उसे जेल में डाल देंगे तो वो ठीक है, बाल कारागृह भी होते हैं जो आपके, कारागार भी होते हैं बच्चों के लिए अलग से, लेकिन ठीक है, वो तो जिनको सज़ा मिल जाती है वो उसमें जाते हैं ऐसा करके, है ना। नॉर्मली अपराधी बालक बहुत तरह के होते हैं, सिंपल जो चोरियाँ करता है, जो उत्पात मचाता है घर पे, ये सब भी अपराधी बालक के, तो इनको आप जेल में तो उठा के डालेंगे नहीं, और अगर डाल देंगे तो उसका भी निगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ना है,
तो ये तो सरासर गलत है। स्वतंत्र वातावरण में छोड़ देंगे तो फिर वो तो पहले से अपराधी बालक है, तो और उस पर कोई लगाम नहीं रह जाएगी, तो उसके और बिगड़ने के चांसेस हो जाते हैं। दंड प्रक्रिया उसे ढीठ बना सकती है और उसे ज़िद्दी बना सकती है, ठीक है, तो वो बागी हो सकता है, इसलिए ये भी सही नहीं है। फिलहाल घर पर ही इसको शिक्षा देना सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि घर पर वो अपने परिवार के बाद वो समाज में नहीं निकलता कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा पाता है, और धीरे धीरे जब वो शिक्षित हो जाता है तब वो खुद ही सही गलत चीज़ें समझने लगता है। निम्न में से कौन सा अभिकरण मानसिक स्वास्थ्य के विकास में अधिक प्रभावशाली है? सिनेमा, परिवार, सुधारालय या पुस्तकालय? बच्चों का जो मानसिक स्वास्थ्य होता है उसका विकास सबसे बेस्ट कौन कर सकता है? सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए आपका होता है ऑप्शन नंबर बी, परिवार। यस, देखिए परिवार का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पे, बाकी चीज़ों का भी पड़ता है, ऐसा नहीं कह सकते कि इन सब चीज़ों का नहीं पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा परिवार का पड़ता है। और अगर परिवार पारिवारिक स्थिति, परिवार में कलह है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो भी है, तो फिर बच्चे के पास सारी फैसिलिटी, सब कुछ, उसको अच्छा अच्छा माहौल मिल रहा है, तब भी वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह पाएगा, है ना। तो वो जो एक फीलिंग होती है और कि हाँ मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, मेरी फैमिली मुझे समझती है, मेरी फैमिली का माहौल अच्छा है, तो वो जो फीलिंग होती है वो बच्चे के मेंटल हेल्थ में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अभिप्राय मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना तथा उनके संरक्षण के लिए उपाय बताना है, ये परिभाषा किसकी है? फ्रायड, मैस्लो, ड्राइवर या क्लेन? सो 187 के लिए जो आपका सही आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, ड्राइवर की है, तो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। जितने भी लोगों ने सी गेस किया था सही आंसर है। अगला प्रश्न आपका हिंदी से है, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? नवग्रह गांठ कर, महात्मा आमरण। अव्ययी भाव समास यानी जिसमें पहला पद क्या होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही आंसर हो जाता है आपका 36 के लिए, वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, आमरण, क्योंकि इसमें देखिए आ जो है ये आपका पहला शब्द जो है वो अव्यय है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, काकु शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है? कौवा, कटु, चाचा या फिर व्यंग्य? काकु शब्द, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है काकु का, वो हो जाता है व्यंग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुपात्र की सहायता करना व्यर्थ है, ठीक है, ये एक लाइन है, इस उक्ति को चरितार्थ करने वाली कहावत क्या है, मतलब जिस कहावत का अर्थ ये निकले? अंधे को न्योता दो जने आए, कुत्ते को खिलाई खीर पाप में न पुण्य में, गधे की खोई खेती न पाप में न पुण्य में, बंद क्या जाने अदरक का स्वाद, या बंदर होना चाहिए था, देख लीजिए। सो करेक्ट आंसर 38 के लिए जो हो जाता है आपका वो हो जाता है गधे की खाई खेती न पाप में न पुण्य में, ठीक है, गधे की खाई खेती न पाप में न पुण्य में, ये आपका आ जाता है। यानी कि अगर कोई खेती है जिसको गधा जो है खराब कर देता है, खा देता है, तो भाई वो ना तो हमें पाप मिला ना तो पुण्य मिला उसका, ये चीज़ हो जाती है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हालांकि ये कहावत मैंने पहले इसके नहीं सुनी थी तो कुछ नया मिला। अनिश्चितता के भाव को प्रकट करने के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए, बंद मुट्ठी में क्या है, पर्दे के पीछे कौन है, न जाने भाग्य में क्या है, न जाने ऊंट किस करवट बैठेगा। अनिश्चितता के भाव को प्रकट करने वाला मुहावरा। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए आपका होता है ऑप्शन नंबर 4, न जाने ऊँट किस करवट बैठेगा। ये बहुत फेमस भी है कि पता नहीं ऊँट किस करवट बैठे, तो इसका मतलब होता है कि कुछ भी अभी डिसाइडेड नहीं है, फिक्स नहीं है। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? अनधनवेषण, अनुधन एषण, अनुधन ऐषण या अनधनवेषण? और जो सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए होता है वो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2, अनुधन एषण, और ये आपका बन जाता है अन्वेषण। और फटाफट से कमेंट करके बताइए कि कौन सी संधि है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि कौन सी संधि है सामने। आ जाते हैं संस्कृत वाले पोर्शन पे, व्रीडा पद का समानार्थी शब्द कौन सा है? व्रीडा का समानार्थी लज्जा, पीड़ा,
प्रव्रज्या या फिर गंगा। चलिए अब देखते हैं सही आंसर जिसका होता है, सबने गेस कर लिया। ऑप्शन नंबर वन हो जाता है व्रीडा, का अर्थ होता है लज्जा, और लज्जा का मतलब लाज। आसन्नम इस शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? दूरम, समीपम, प्रतिदिनम, नाति दूरम। आसन्नम इस पद का विलोम पद। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर वन अगेन, दूरम। दूर मतलब पता है आपको दूर, आसन मतलब एकदम पास, साइड में, इस तरह से। भोजन, भोजनम ये शब्द में प्रत्यय क्या है? घई प्रत्यय लगा है, अण लगा है, ल्युट लगा है, सानच लगा है। फटाफट से रिप्लाई करिए। प्रत्यय पढ़ाया हुआ है तो देख लीजिएगा एक बार, अगर आपने नहीं देखा है। संस्कृत की प्लेलिस्ट में संस्कृत के व्याकरण के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में इंग्लिश ग्रामर के, और हिंदी की प्लेलिस्ट एक बार आप चेक कर सकते हैं, तो वहाँ कुछ हिंदी व्याकरण के भी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर थ्री, ल्युट प्रत्यय यहाँ पे होता है। जितने भी लोगों ने सी गेस किया, वेरी गुड। लोकापवाद पद का समास, मतलब इसमें पद में कौन सा समास है? लोकापवाद, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व समास। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है अगेन आपका ऑप्शन नंबर वन हो जाता है, तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पे लोक धन अपवाद, या आप वो तो मैं संधि कर रही हूँ, लोकापवाद में आपका कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, और जिस भी पद में, जिस भी पद का आप जब विग्रह करते हैं, समास विग्रह करते हैं, वहाँ पे कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, वो तत्पुरुष समास होता है। अगला थोड़ा सा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, साहित्य से है। काव्येषु नाटकम् रम्यम्, ये एक लाइन दी है, यहाँ पे बोला है कि ये उक्ति जो है कौन से नाटक से ली गई है? मृच्छकटिकम्, अभिज्ञान शाकुंतलम्, वेणी संहार नाटकम्, या उत्तर रामचरितम्। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होता है आपका ऑप्शन नंबर टू, अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि काफी फेमस रचना है, और इसके रचयिता कौन है ये आप सब फटाफट से कमेंट करके बताइए। बेसिक तो याद हो गया होगा, ये चीज़ें है ना डिस्कस हो ही रही थी, पहले भी पढ़ाई जा चुकी हैं लास्ट ईयर में। आ जाते हैं हमारे इंग्लिश पोर्शन में। वी हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन ब्लैंक टू आवर्स, सिंपल सा आपका ये टेंस वाले पोर्शन से है, यहाँ पे क्या आएगा बताना है आपको। वी हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन ब्लैंक टू आवर्स, सिंस, फ्रॉम, बाय, फॉर। चलिए देख लेते हैं इसका, ये तो सबका सही होगा, करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर फोर, फॉर लगेगा। देखिए वी हैव बीन, यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगा है, साथ में आईएनजी फॉर्म है वर्ब की, तो ये आपका जो टेंस है वो कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये चीज़ क्लियर हो गई। और टाइम मेंशन करने के लिए टाइम के पहले सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। सिंस का यूज़ करेंगे जब पॉइंट ऑफ टाइम दिखाना हो, और फॉर का यूज़ करेंगे जब निश्चित समय ना, पीरियड ऑफ टाइम बस दिखाना हो। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम ही दिखाया गया है कि 2 घंटे, है ना, लेकिन कौन से 2 घंटे, सुबह के, रात के, परसों के, नर्सों के, कुछ भी क्लियर ऐसा नहीं है। तो पीरियड ऑफ टाइम तो बताया, ड्यूरेशन बताया है कि 2 घंटे की बात है, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताया कि कब, कौन से 2 घंटे। तो इस वजह से हम फॉर यूज़ करेंगे। अगर पॉइंट ऑफ, जैसे यहाँ पे 2 o'clock होता, ठीक है, 7 PM होता, एकदम पॉइंट ऑफ टाइम कि हाँ मतलब 7 बजे, मतलब 7 बजे दैट मच, तो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करते। दे अराइव्ड लेट ब्लैंक द एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट में देर से आए। अब यहाँ पे क्या आ सकता है? इन, ऑन, विद, एट, एयरपोर्ट के साथ क्या लगेगा? सुटेबल प्रीपोजिशन। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4, एट हो जाएगा। जैसा कि पहले भी ये चीज़ें, प्रीपोजिशन के कई सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ये पहले भी पढ़ा रखा है कि जब एक कोई पर्टिकुलर प्लेस की बात हो रही होती है, जैसे ये एक सिटी है, वहाँ पे ये मान लीजिए बड़ी सी सिटी है, ठीक है, कोई भी, तो इसके लिए इन आप यूज़ करेंगे। लेकिन इस सिटी में अगर कोई पर्टिकुलर प्लेस है, ठीक है, जहाँ की बात हो रही है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? एट यूज़ करेंगे, एट होम, एट स्कूल, एट एयरपोर्ट, ओके, तो ये आपका एट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द मनी वॉज डिवाइडेड ब्लैंक अनवर एंड रसीद, मनी जो है, तो पैसे जो है वो अनवर और रसीद दोनों में
बांट लिए गए दोनों के बीच में। अब यहाँ पे क्या लगेगा, बिटवीन, अमंग, इनटू, विद। सो इसके लिए जो सही आंसर होता है आपका वो होता है ओके। जितने भी लोगों ने गेस किया ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल सही है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ दो लोगों के बीच डिवाइड की जा रही है, बांटी जा रही है, तो दो लोगों के बीच के लिए क्या लगता है, बिटवीन लगता है। अगर दो से अधिक लोग हों तो उनके बीच के लिए अमंग लगेगा, ठीक है। तो यही इतना सा डिफरेंस होता है बिटवीन एंड अमंग की यूज़ में। दिस इज द हाउस ब्लैंक हरी बॉट, ये वो घर है जो हरी ने खरीदा। अभी यहाँ पे क्या सुटेबल वर्ड आएगा, हु, दैट, हो, हुज। तो करेक्ट आंसर जो होता है आपका 74 के लिए वो हो जाता है ऑप्शन नंबर टू, दैट दिस इज द हाउस दैट हरी बॉट, यानी कि ये वो घर है जो हरी ने खरीदा था। तो घर के लिए घर, क्योंकि आपकी एक निर्जीव चीज़ हो गई, इसके लिए जिसके लिए दिस लग रहा है उसके लिए दैट ही लगेगा, जाहिर सी बात हो जाएगी, ठीक है। हु तो किसी पर्सन के लिए ही आप लगा सकते हो, हुज, ये सारी चीज़ें आप किसी पर्सन के लिए ही लगा सकते हैं, तो आप हाउस के लिए नहीं यूज़ कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज़ ब्लैंक हिज होमवर्क, ही हैज़ ब्लैंक हिज होमवर्क। इसकी हिंदी अभी नहीं बताऊंगी, पूरा सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद। तो देख लीजिए, डिड आएगा, बीन डूइंग आएगा, डन आएगा, डज आएगा। जिसका टेंस क्लियर है उसको ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ऑलराइट, तो सही आंसर जो यहाँ पे हो जाता है आपका, हो जाता है ऑप्शन नंबर थ्री, डन। क्यों हो जाता है भाई, सीधी सी बात है कि यहाँ पे हैज़ लगा है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेंटेंस में हैज़ लगा है। तो ये कौन सा टेंस हो गया, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ आप वर्ब की को कौन सी फॉर्म लगाएंगे, जाहिर सी बात है डस तो पहली फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, डिड आपकी सेकंड फॉर्म हो गई, तो आप थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं ना, तो डन ही लगाएंगे, ओके। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। बीन डूइंग क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अगर हैज़ बीन डूइंग लगा देते तो आपका फिर वही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आ जाता है, जबकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम बिल्कुल भी शो नहीं किया है। सो इसलिए यहाँ पे हमने डन लगाया है। तो बस ये छोटी सी छोटी चीज़ों को देख कर हमें सही आंसर गेस करना होता है। तो आई जस्ट होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।